हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है सेंट बोटैनिका मोरक्कन अर्गन शैम्पू एंड कंडीशनर। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है सेंट बोटैनिका की मोरक्कन अर्गन रेंज की ये शैम्पू और कंडीशनर। इसमें मोरक्कन अर्गन का यूज़ किया गया है, जिसमें मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हेयर के मॉइस्चर को रिस्टोर करने में हेल्प करता है और हेयर को स्मूथ रखता है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल एडेड नहीं है, ये पैराबिन फ्री है, SLS SLES फ्री है, और इनमें ऑर्गेनिक अर्गन ऑयल, आलमंड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, जोजोबा ऑयल जैसे इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जो हमारे हेयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो फर्स्ट है ये शैम्पू, कुछ इस तरह की ये आती है। इसकी प्राइस है 599 रुपीज़, और ये शैम्पू पम्प की पैकेजिंग में आती है। और इसके टेक्सचर क्रीमी फॉर्म में है, कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल सी है, फ्रेगनेंस काफ़ी सूदिंग सी है, जो कि तुरंत चली भी जाती है, ज़्यादा टाइम तक इसकी फ्रेगनेंस स्टे नहीं करती है। तो ये शैम्पू काफ़ी अच्छे से हमारे हेयर को, स्कैल्प को क्लीन करता है बिना हेयर को ड्राई किए हुए। ये एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है। तो ये शैम्पू ऑल हेयर टाइप के लिए सूटेबल है, ऑयली हेयर, ड्राई हेयर, कॉम्बिनेशन हेयर, सभी हेयर टाइप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हेयर वॉश करने से हेयर काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं, हेयर बिल्कुल रिपेयर हो जाती है, हेयर फ्रेश और हेल्दी हो जाती है, सिल्की शाइनी हो जाती है। ये हेयर में, स्कैल्प में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हेयर की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, रफनेस दूर हो जाती है और हेयर इससे मैनेजेबल भी हो जाती है। तो काफ़ी अच्छे से ये हमारे हेयर पे वर्क करती है, स्पेशली ये ड्राई फ्रिजी हेयर को कंट्रोल करता है, काफ़ी अच्छे से रिपेयर करता है। तो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, जिनकी ड्राई फ्रिजी हेयर है वो लोग ये शैम्पू को ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। देन नेक्स्ट है ये कंडीशनर। शैम्पू के बाद हमें ये कंडीशनर अप्लाई करना होता है, और इसकी प्राइस है 549 रुपीज़, और ये कुछ ऐसे ही पैकेजिंग में आती है। और इसकी टेक्सचर क्रीमी फॉर्म में है, फ्रेगनेंस भी अच्छी है, काफ़ी माइल्ड सी फ्रेगनेंस है। तो इसे हमें शैम्पू के 1-2 मिनट बाद यूज़ करना होता है, अपने हेयर के लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी अमाउंट लेकर अपने हेयर के लेंथ पे अप्लाई करना होता है। स्कैल्प पे बिल्कुल भी इसे हमें अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ हेयर के लेंथ पे ही अप्लाई करना है। देन 2-3 मिनट के बाद इसे देन वाटर से वॉश ऑफ कर लेना होता है। इससे हेयर हमारी काफ़ी स्मूथ हो जाती है इंस्टेंटली, और काफ़ी हेयर हमारी हेल्दी भी हो जाती है, सिल्की शाइनी हो जाती है और हेयर इससे मैनेजेबल भी हो जाती है। ये कंडीशनर हमारे हेयर को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करता है, हेयर के मॉइस्चर को रिस्टोर करने में ये हेल्प करता है, जिससे हेयर हमारी सिल्की स्मूथ हो जाती है, हेयर काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाती है, ड्राई फ्रीजी रफ हेयर ये को ये रिपेयर करता है, हेयर की टेक्सचर को इम्प्रूव कर देता है। तो काफ़ी अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप शैम्पू और कंडीशनर दोनों ही साथ में यूज़ करेंगे तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो पे।